नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी नई शिक्षा नीति के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो चेंजिंग आई है एजुकेशन सिस्टम में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है NEP, तो ये कोई पहली बार नहीं है, ये तीसरी बार ये चेंजिंग की गई है। पहली बार जो चेंजिंग की गई थी वो 1968 में की गई थी, और जो दूसरी बार शिक्षा में चेंजिंग की गई थी वो 1986 में की गई थी, और इस साल मतलब 2020 को तीसरी बार चेंजिंग की गई है। और ये जो चेंजिंग की गई है इसमें बहुत ही अच्छी बात यह है कि कहा जा रहा है 6% GDP का एजुकेशन सिस्टम में लगाया जाएगा। तो अगर 6% GDP का एजुकेशन सिस्टम में लगाया जाएगा तो ये बहुत ही अच्छी बात होने वाली है हमारे देश के लिए और हम सब विद्यार्थियों के लिए। और कहा जा रहा है कि जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है उसमें भी चेंजिंग की जाएगी। तो चलिए बिना समय गवाए जान लेते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP, नई शिक्षा नीति के बारे में। दोस्तों आप देख रहे हैं, ये है ग्राफ। ये जो लेफ्ट साइड है ये पुराना जो एजुकेशन सिस्टम है उसका ग्राफ है, और ये जो राइट साइड है ये जो न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर बना है, नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसका ग्राफ है। तो जो पुराना एजुकेशन सिस्टम था, 10+2 वाला एजुकेशन सिस्टम था, उसमें बच्चे सबसे पहले फाउंडेशनल स्टेज इसमें 3 साल लगा देते थे, मतलब LKG UKG और जो प्ले वे होता था, तो ये सब मिला के 3 साल बच्चों का लग जाता था। और फिर उसके बाद जो मिडिल स्टेज आता था तो वो 10 साल का टोटल होता था, जिसमें बच्चे 6 से 16 साल के होते थे, और इसमें बच्चे सब चीज़ पढ़ते थे, साइंस पढ़ते थे, मैथमेटिक्स पढ़ते थे, आर्ट्स पढ़ते थे, सोशल साइंस पढ़ते थे और ह्यूमैनिटीज़, मतलब सारे सब्जेक्ट मिडिल स्टेज में बच्चे पढ़ते थे। और फिर उसके बाद सेकेंडरी स्टेज आता था जो 2 साल का होता था, जिसमें बच्चे 11th और 12th में होते थे। 11th में जाने से पहले उन्हें सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता था, और अगर वो एक स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो दूसरे सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाते। सपोज़ 3 स्ट्रीम होते हैं, साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम और ह्यूमैनिटीज़। तो अगर हम साइंस स्ट्रीम सेलेक्ट कर लिए तो हम ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स के सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये थी पुरानी एजुकेशन सिस्टम, ओल्ड एजुकेशन सिस्टम। ये 10+2 भी इसी कहा जाता है। तो ये 10+2 मतलब ये टोटल 12 साल में नहीं कंप्लीट होता था। आप देखेंगे ये जो नीचे बच्चा LKG UKG और प्ले वे कर रहा है तो इसमें 3 साल लग ही जा रहे हैं, तो ये जो पुराना एजुकेशन सिस्टम था इसमें भी टोटल 15 साल लगते थे। और जो नई शिक्षा नीति आई है 5+3+3+4 की, इसमें 4 पार्ट किए गए हैं, फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज, सेकेंडरी स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज 5 साल का होगा, जिसमें बच्चा 3 से 8 साल का होगा, और इसमें मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग सिखाई जाएगी, मतलब एक्टिविटी के थ्रू, एग्जांपल्स के थ्रू बच्चे को पढ़ाने की कोशिश की जाएगी। फोकस इसी पे ज़्यादा रहेगा, किताबी भी पढ़ाई जाएंगी लेकिन एक्टिविटी के थ्रू ज़्यादा पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। और ये जो फाउंडेशनल स्टेज है इसमें बच्चे को सिखाया जाएगा कि एथिक्स के बारे में, सही और गलत के बारे में, टीम वर्क और कोलेबोरेशन कैसे करेंगे इसके बारे में, लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेवलपिंग क्यूरियोसिटी, आर्ट्स क्राफ्ट एंड म्यूजिक, रिलेशनशिप विथ नेचर, कलर्स, शेप्स, अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स। ये सारे जो नॉर्मल चीज़ होते हैं, ये सब जो बेसिक चीज़ होते हैं, ये सारे फाउंडेशनल स्टेज में बच्चे को सिखाए जाएंगे। और जो प्रिपरेटरी स्टेज है जो class 3 to 5 है, जिसमें बच्चा 8 से 11 साल का होगा, तो और अच्छी बात ये भी है कि प्रिपरेटरी स्टेज से ही एग्ज़ाम लिए जाएंगे, मतलब class 3rd से एग्ज़ाम बच्चों के होंगे, जिसमें बच्चा डिस्कवरी एंड एक्टिविटी बेस्ड एंड इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग करेगा। और ये दोनों स्टेज मिला के, प्रिपरेटरी स्टेज और फाउंडेशनल स्टेज, इन दोनों को मिला के, मतलब जब बच्चा 3 से 11 साल के बच्चों के लिए ये कहा गया है कि इनको, इनकी जो लैंग्वेज रहेगी ये मदर टंग, लोकल और रीजनल एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एटलीस्ट टिल grade 5। देखिए कहा गया है इसमें कि 5th class तक बच्चे को फोर्स नहीं किया जाएगा इंग्लिश सीखने में या इंग्लिश में बोलने के लिए। बच्चा मदर टंग, लोकल और रीजनल लैंग्वेज में बात कर सकता है, उन्हें इसी लैंग्वेज में पढ़ाने को वो कहा गया है। कंपलसरी नहीं है लेकिन ऐसा नोट है। और जो मिडिल स्टेज है ये 11 से 14 साल के बच्चों वाला है मिडिल स्टेज,
और क्लास 6 to 8 को इसमें मिडिल स्टेज कर दिया गया है। तो इसमें बच्चा एक्सपेरिमेंटल लर्निंग और इन द साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ेगा ही। साथ ही साथ यहाँ ये भी कहा गया है कि 10 दिन बच्चा बिना बैग के स्कूल जाएगा, और स्कूल में वो गार्डनिंग सीख सकता है, कारपेंटरिंग सीख सकता है, जो भी उसे पसंद आए, मतलब ऐसे जो फिज़िकल वर्क होते हैं ये सब भी सिखाए जाएंगे। और ये जो सेकेंडरी स्टेज है, सेकेंडरी स्टेज को बढ़ा दिया गया है, 4 साल का कर दिया गया है, क्लास 9 to 12, जिसमें बच्चे 14 से 18 साल के होंगे। इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी करवाई जाएगी, ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स होंगे। और ये पहले से बिल्कुल अलग है। पहले अगर आप एक स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेते थे तो वही आपको पढ़ना पड़ता था, आप दूसरे सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाते थे। लेकिन इसमें ये है कि अगर आप फिज़िक्स में मन है, फिज़िक्स पढ़ते हैं, फिज़िक्स अच्छा लगता है, तो आप फिज़िक्स के साथ साथ आर्ट्स के भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस और आर्ट्स के जो सब्जेक्ट होते हैं ये सब भी पढ़ सकते हैं। आपको केमिस्ट्री पसंद है तो आर्ट्स के सब्जेक्ट के साथ आप केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, बायोलॉजी पढ़ सकते हैं। ये सब चेंजिंग की गई है, जो बहुत ही अच्छी बात है। और सेकेंडरी स्टेज में ये कहा गया है कि इसमें बच्चों को फॉरेन लैंग्वेज सिखाए जाएंगे, स्पेनिश, फ्रेंच और भी जो लैंग्वेज हैं फॉरेन, ये सारे लैंग्वेज भी बच्चों को सिखाए जाएंगे। तो यही था नई एजुकेशन सिस्टम, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और सरकार ने टॉप 100 फॉरेन कॉलेजेस को परमिशन दे दी है कि वो अपने कैंपस को इंडिया में एस्टेब्लिश कर सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ एक फैक्ट वाली बात ये भी है कि इस नीति को, ये जो पॉलिसी है एजुकेशन पॉलिसी, इसको कांग्रेस लाना चाहती थी, लेकिन उस समय बीजेपी ने इसका विरोध किया था, और फिलहाल बीजेपी खुद इसको ला रही है। इसमें कहा गया है कि जैसे पहले टीचर हर साल बच्चों को उसके प्रोग्रेसिव कार्ड देता था, प्रोग्रेस कार्ड देता था, तो वो तो होंगे ही, साथ ही साथ बच्चे अब अपने आप को खुद वो करेंगे, खुद परखेंगे, खुद जांचेंगे कि उन्होंने कैसा प्रोग्रेस किया है, वरना क्लास के जो स्टूडेंट रहेंगे वो कंपेयर करके आपस में वो भी अपने आप को बताएंगे। और जो दूसरी चीज़ कही गई है, एग्ज़ाम्स में चेंजिंग की जाएगी। जैसे पहले के एग्ज़ाम होते थे रटने वाले होते थे, कुछ कुछ सब्जेक्ट होते थे और एग्ज़ाम पेपर भी ऐसे बनाए जाते थे कि रट के बच्चा देता था और कुछ दिन बाद वो भूल जाता था। तो अब चेंजिंग की जाएगी, एग्ज़ाम जो पेपर होंगे उसमें डिज़ाइनिंग में चेंजिंग की जाएगी, जिससे बच्चे रटे ना, ज़्यादातर उन्हें एक्सपेरिमेंटल और एक्टिविटी बेस्ड पेपर्स बनाए जाएंगे। तो बहुत ही अच्छी बात है ये सब। और जो इसमें कहा गया है, इंटर के बाद मान लीजिए आप कोई वो कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो 4 साल का अगर है तो अगर आप पहले साल के बाद ड्रॉप आउट करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, और अगर 2 साल के बाद ड्रॉप आउट करते हैं तो डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी, 3 साल के बाद ड्रॉप आउट करते हैं तो बैचलर्स डिग्री, और 4 साल के बाद करेंगे ड्रॉप आउट तो बैचलर्स रिसर्च डिग्री मिलेगी। और फिर उसके बाद अगर आप एमए करते हैं, एमएससी करते हैं, तो अगर आप 4 साल में छोड़े हैं तो आपका एमएससी एमए 1 साल का होगा, अगर आप 3 साल में छोड़े हैं, ड्रॉप आउट किए हैं ग्रेजुएशन अपना, तो आपको मास्टर डिग्री लेनी होगी तो 2 साल लगेगा। दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि ये नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी सही है या गलत, और अपने कुछ राय और सजेशन देने हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर। तो अगर आप वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।